सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज हमारे साथ जा रहे हैं ये वाले भाई और दो चार भाई लोग और आ रहे हैं पीछे से, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और मैं बता दूँ आज आपको कि पहले तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आज इंडिपेंडेंस डे की राइड है हमारी। तो गाइज आज हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर वाली रोड पे। देखो मौसम तो भाई भीगा है, बट कोई नहीं, भीगा है, समा वाला सीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आई एक एम्टी, बाकी अभी तो निकल ही रहे हम भाई यहाँ से। तो भाई और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे रियर व्हील में भाई थोड़ी बबलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, और काफ़ी चीज़ें हैं भाई ये। ये उधर क्यों गया होगा, वो दो चार उधर चले गए और ये अकेला गया है रास्ते। ओए ओए आलोक, वो तो पीछे चले गए। हाँ अब आगे से मोड़नी पड़ेगी। तो गाइस 15-20 मिनट डिस्कशन के बाद और थोड़ी बकचोदी के बाद अब हम निकल रहे हैं वो नरेंद्र नगर की रोड के लिए, क्योंकि इनमें से एक भाई को आज शायद गांव जाना है 10 बजे। तो अगर हम नरेंद्र नगर जाते हैं तो वो गांव नहीं जा पाएगा उसके बाद, क्योंकि होगा दूर भाई का, कोई दिक्कत नहीं। बट सीन वही है कि फिर इनका प्लान था कि सिर्फ थानों तक, पर थानों तक का ब्लॉक सिर्फ इतना सा बनता है भाई, उसमें कुछ दिखा भी नहीं पाएंगे। तो अभी तो वही प्लान बना कि नरेंद्र नगर का देखो रास्ते में जाते जाते क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। सेट चला रहे हो उस बुलेरो को भाई पर, लेकिन मुझे इन बुलेरो कैंपर के पीछे बहुत डर लगती है जब से वो टायर निकला है मेरे मुंह पे। क्या कर सकते भाई। सो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के पेट्रोल पंप पे, जहां से हमारी हमेशा राइड शुरू होती है। बट अब मैं देहरादून रहता हूं तो भाई अब मेरी राइड वहीं से शुरू हो जाती है। बाकी बीच में कुछ ज़्यादा कुछ हम दिखाने का था नहीं, और रोड गीली भी थी तो हम भगा नहीं रहे थे, और ये पत्थर मुझे तब से परेशान कर रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, वहाँ देखो ताऊ अंदर लगाने गाड़ी पर, हम सब ने रोड ब्लॉक कर रखी है, ये हमारी गंदी आदत है। क्योंकि बाकी ये रही अपनी ड्यूक आर सी और मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ, एक 310 भी है, तो भाई NS वगैरह हैं, तो आज तो मज़ा आने वाली है। पर मैं आज आराम से चलूँगा, क्योंकि भाई मैं पूरे 6-7 मतलब 26 जनवरी के बाद आ जा रहा हूँ राइड में, और बीच में मैंने गाड़ियाँ नहीं चलाई, मतलब कोई भी अपनी गाड़ी भी नहीं चलाई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी है एक। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 15 अगस्त की रैली हो रही है, और हम भी स्कूल टाइम पे ऐसे जाया करते थे, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सब तो निकल चुके हैं और ये लोग तो पीछे आएंगे। भाई आज तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, आज गंदी बारी, क्योंकि भाई 6 महीने बाद आ रहा हूँ मैं, और मैं बीच में गाड़ी चला भी नहीं रहा था, तो उस वजह से तो भाई आज तो ढंग से डर लग रही है, मतलब अच्छे खासे लेवल पे।
तो गाइस बोलने में पता नहीं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे आज बिल्कुल भी, और अरे कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि अभी लौंडे सारे आज से आधा तो पीछे ही हैं, कुछ कुछ ही गए हैं आगे। और यहाँ पे छोटी मोटी रेस लग चुकी है RC 390 वर्सेस Duke 390, और भाई ने झंडा भी लगाया हुआ है, पर भाई पता नहीं क्यों बैंड रेस बकचोदी कर दे रहा है थोड़ी बहुत। ये निकली नई वाली Duke 390 भाई, भाई ब्रेक मार रहे हैं भाई, न्यूट्रल हो गई थी भाई गाड़ी ठीक इस बैंड पे, भाई उन लोगों को कोऑर्डिनेशन देख लो तुम। भाई अब जरा हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लगा है भाई इतने देर बाद, हल्का हल्का वो भी, बट ठीक है इसलिए मैं इनको कैच नहीं करवा रहा हूँ आज। भाई हैंडल बबल वहाँ भी हल्का, वो तो मैंने रेस छोड़ दी थी वरना। भाई 6 महीने बाद गाड़ी चलाऊंगा तो ये हो गई होगा भाई,